नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है और हालात तो ये हो गए हैं कि अब ना तो अस्पतालों में बेड खाली बचे हैं और ना ही शमशान घाटों में लाशें जलाने की जगह बची है। लाशों का अंबार लगा हुआ है लेकिन उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं बचा है। अलमारियों में भी अस्थि कलश रखने तक की जगह नहीं बची है और नई अलमारियां ऑर्डर की जा रही हैं। जिधर भी नजर दौड़ाओ सिर्फ लाशें और चीखते चिल्लाते लोग ही दिखाई दे रहे हैं और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनको देखकर आपको डर लग जाएगा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब तो लाशें भी संभाली नहीं संभल रही। इसी के चलते मध्य प्रदेश के विदिशा मेडिकल कॉलेज में कोविड शव के साथ बड़ी लापरवाही सामने आई है। चलती एम्बुलेंस से एक लाश सड़क पर जा गिरी और इसके बाद हड़कंप मच गया। गाड़ी का ड्राइवर अपने आप में ही मस्त था। एम्बुलेंस से लाश गिरने की उसको भनक तक नहीं लगी और गाड़ी आगे चली गई। लेकिन सड़क किनारे मौजूद लोगों ने चलती एम्बुलेंस से जब लाश गिरते देखी तो वो चिल्लाने लगे, जिसके बाद वाहन रोककर शव को दोबारा अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। और इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि काफी डराने वाला है। बताया जा रहा है कि वाहन में दो लाशें रखने की क्षमता है लेकिन उसमें तीन लाशें रखी हुई थी। जैसे ही वाहन की रफ्तार पकड़ी, स्ट्रक्चर पर रखा शव दरवाजे से टकरा गया और दरवाजा टूटकर नीचे लाश के साथ गिर गया। मध्य प्रदेश रक्त सहायता समिति का शव वाहन संक्रमितों के शव को लेकर विदिशा मेडिकल कॉलेज से निकलता है। गेट से कुछ मीटर दूर तेज गति से वाहन पहुंचता है, तभी अचानक शव वाहन का गेट टूटकर नीचे गिर जाता है और गेट के साथ एक डेड बॉडी भी जाकर नीचे गिर जाती है। ऐसी लापरवाही विदिशा की अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में भी पहले भी देखी जा चुकी है। यहां 13 अप्रैल को संदिग्ध कोरोना मरीज को दो बार मृत बता दिया गया था। परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र तक भी दे दिया गया था। परिवार के कुछ सदस्य शमशान घाट भी पहुंच गए और वहां अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। लोग शव के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी मेडिकल कॉलेज से फोन आया कि अभी आपका पेशेंट जिंदा है। इसलिए ऐसी खबरों से साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और अब सरकार का जिम्मा है कि उसको किसी तरह से बनाए रखे। इस खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज एमपी। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। खबर पसंद आए तो शेयर भी करें और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।